सबसे पहले आज हम लोग कॉमर्स का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 50 क्वेश्चन का एक सेट होता है। अगर जो भी बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपने सबने एक साइड चूज़ करा होगा। आपने जो कॉमर्स साइड से हैं उनके लिए 50 क्वेश्चन के ये सिलेबस हैं। इनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अलग अलग चैप्टर वाइज डिवाइडेड हैं। ये सभी टॉपिक के नाम हैं और आप जानते हैं कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे ये पहले से क्लियर है उनका कि ये सब अपने आप में एक सब्जेक्ट जैसे हैं, लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा इंट्रो के तौर पर इनको लेते हैं एक सिलेबस जानने के लिए कि सिलेबस में आपके है क्या कॉमर्स में। सबसे पहले बात अगर की जाए अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग क्या है? अगर जिसे आप देखा जाए तो इसे लेखांकन कहते हैं। अलग अलग राइटर्स ने इसकी बहुत सारी डिफिनेशंस दी है, फिलहाल हमें उसके बारे में बात नहीं करनी कि सारी पूरा ब्रॉड अकाउंटिंग तो खत्म नहीं हो सकती। सिर्फ हम अगर एक शॉर्ट इंट्रो के बारे में बात करें तो अकाउंटिंग है क्या, तो कहा जाता है लेखांकन। लेखांकन का मतलब होता है लेखा करना। ये लेखा किया कहाँ जाता है, कैसे कर सकते हैं हम लेखा, या लेखा करने के लिए हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम अकाउंटिंग पोर्शन में सीखते हैं। अकाउंटिंग पढ़ने के लिए दो चीज़ें ध्यान सबसे ज़्यादा रखनी है। अगर हमें लेखा करना है तो लेखा पुस्तकों को किस प्रकार से प्रिपेयर रखना है, अकाउंटिंग बुक कौन कौन सी होती है या किस तरह से प्रिपेयर रखना है, ये होता है आपका लेखांकन। सबसे पहली चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं कि इनमें आपको किन बातों को लिख कर रखना है। इनमें आपके किन किन बातों को लिख कर रखना है, देखा जाए तो व्यापार अकाउंटिंग है क्या। अगर हम कॉमर्स के बारे में जाने, कहा जाता है कॉमर्स बहुत छोटा सी बात में ख़त्म हो जाती है। पूरी कॉमर्स आप देखो पूरा स्टार्टिंग टू एंड आप पढ़ते रहते हो, लेकिन ये बहुत छोटी सी बात में ख़त्म हो जाती है कि शुरुआत जो होती है वो होती है कि एक व्यापारी को या एक मैन्युफैक्चरर, मतलब होता है आपका निर्माणकर्ता, एक निर्माणकर्ता को उपभोक्ता से मिलाने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो सभी कॉमर्स कहलाते हैं या वाणिज्य कहलाते हैं। अब एक व्यापारी को उपभोक्ता से मिलाने के लिए तो आप इसमें एक और भी क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन तो इसमें जितने डीप आप जाते जाएंगे कि व्यापारी क्या होता है या फिर उपभोक्ता क्या है, या देखा जाए तो ये इनके बीच जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं वो प्रोसेस कौन कौन से हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो व्यापारी क्या है, उपभोक्ता क्या है, व्यापारी क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले निर्माणकर्ता किसी वस्तु को बनाता है, बनाने के बाद उसके द्वारा कुछ क्रियाएं की जाती हैं, विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं जिसके द्वारा वो उपभोक्ता तक पहुंचता है। एक निर्माणकर्ता डायरेक्ट कभी उपभोक्ता तक खुद नहीं पहुंच सकता, तो वो कई लोगों का सहारा भी लेता है। उनके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि वो किन किन लोगों का सहारा लेता है, ये हम बिजनेस पोर्शन में कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या है कि जैसे कोई वस्तु बनाई गई, अभी मेरे हाथ में फिलहाल ये मार्कर ही है, इस मार्कर को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ हुए, मटेरियल लगा, मटेरियल के साथ साथ इसमें और क्या चीज़ें लगी, कुछ इसमें एडवर्टीजमेंट्स लगे होंगे, बहुत सारी चीज़ें, देन बहुत सारे इसमें वर्कर्स लेबर्स लगे होंगे, और फिर जाके ये मार्केट में स्टैब्लिश हुई होगी। तो इन कंडीशंस में इन्हीं के प्रोसीजर को पढ़ना हमारा कॉमर्स आता है। इसी बेसिस को रखते हुए अकाउंटिंग को ध्यान में रखना है। अब अकाउंटिंग में आपको कौन कौन सी बुक मेंटेन करनी है और कौन सी बुक को किस तरह से प्रिपेयर रखना है ये सीखना होता है। सबसे पहले बुक ऑफ अकाउंटिंग अगर देखा जाए तो इसमें लेखांकन की, इसकी भी अलग अलग प्रोसीजर्स है। प्रोसीजर्स को अगर थोड़ा सा इग्नोर करते हुए आगे चला जाए तो अकाउंटिंग में स्टेप कितने होंगे या अकाउंटिंग साइकिल कितनी है, तो अकाउंट्स के बारे में आपने सबसे पहले क्या जाना कि लेखों को पुस्तकों में रखने की कला होती है, लेखों को पुस्तकों में रखना। लेखांकन क्या है, लेखों की जांच करना या लेखों का वर्गीकरण करना। अब लेखों को लिखकर रखना सबसे पहले सीखना है अगर, तो उसके लिए भी रूल्स हैं। रूल्स आता है आपका डेबिट क्रेडिट रूल्स, ठीक है, ये आपके डेबिट क्रेडिट रूल्स हैं। जिसे आप गोल्डन रूल्स भी कह सकते हो, इन रूल्स के आधार पर आप लेखों की लेखे करते हैं कि कौन से लेखे डेबिट होंगे कौन से क्रेडिट। लेकिन सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हम किन लेखों को लिख कर रखते हैं। क्या हम व्यापार में होने वाले प्रत्येक सौदों को लिख कर रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर एक व्यापारी सुबह उठकर दुकान जाता है और वो अपने व्यापार को स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है, तो वो दिन भर में अपनी बहुत सारी दिनचर्या भी करता है। ऐसी बहुत सारे कार्य वो करता है जो कि दिनचर्या में उसके आते हैं, लेकिन इन यहाँ पर उन कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता। आपको उन कार्यों को ध्यान रखना है जिन्हें मुद्रा के रूप में अर्थात मौद्रिक रूप में डिफाइन किया जा सकता है। मौद्रिक रूप में किन्हें, अर्थात वो चीज़ जो क्रय या विक्रय हो रही है, इसके अतिरिक्त जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनका फोकस हम पर अकाउंटिंग से नहीं रखना। अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं बातों को शामिल किया जाता है जिनमें मुद्रा के अर्थात मॉनेटरी रूप जिनका हो, ठीक है, उसी मॉनेटरी रूप को डेबिट क्रेडिट रूल्स के अकॉर्डिंग कि कौन सी डेबिट होंगी कौन सी क्रेडिट, उनके अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट करते हैं। और उसी बेसिस पे हम अपने 7 बुक्स 7 लेजर्स आप कह सकते हो, जैसे बुक अकाउंटिंग साइकिल जैसे आप कहते हो, आप उसके 7 प्रिपरेशन रखते हो। जैसे सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल में आपके जो स्टेप आता है वो सबसे पहला स्टेप होता है आपका जर्नल, आपका सेकंड स्टेप यहीं से लेजर का हो जाता है, तीसरा ट्रायल बैलेंस, एंड द फोर्थ वन इज आप देखो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, देन आपका स्टार्ट होता है
ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। अब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में आप जानते होंगे जो बच्चे कि पहले से आप अकाउंट की नॉलेज थोड़ी सी रख रहे हो, तो आपको पता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट पहले अलग से बनाए जाते थे और पीएल अलग से बनाए जाते थे, लेकिन फाइनल प्रेजेंट टाइम में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक साथ बनाया जाता है। देन आपका फिफ्थ स्टेप जो होता है वो होता है आपकी बैलेंस शीट। इन्हीं सारे स्टेप से होकर गुजरते हुए इसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, और यही बुक ऑफ अकाउंट आपकी हेल्प करती है अकाउंटिंग प्रोसीजर को कंप्लीट करने में। तो फिलहाल आपको पूरी अकाउंटिंग में पढ़ना क्या है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानते हैं कि अकाउंटिंग में आपको पढ़ना क्या है। ये आपके सारे स्टेप्स पढ़ने हैं, इन स्टेप्स के साथ भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके बीएड एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, जैसे कि आप रॉयल्टी चैप्टर्स देख सकते हैं, रॉयल्टी इंपॉर्टेंट बनता है, हायर परचेस चैप्टर है, ये सभी बातों में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अकाउंटिंग का एक छोटा सा अगर इंट्रो देखा जाए तो इसमें आपको यही पढ़ना है कि एक व्यापारी अपने व्यापार में किन किन कार्यों को किस तरह से पूरा करता है, और करने के बाद वो उनकी लेखा किस प्रकार से करके रखता है, वो लिखने की ही जो विधि है वही आपकी अकाउंटिंग होती है। इनके साथ सेकंड पोर्शन हम आते हैं ऑडिटिंग पर। अब ये ऑडिटिंग क्या है या इनके बारे में हमें क्या पढ़ना है, तो अंकेक्षण के बारे में अगर देखा जाए तो अंकेक्षण कहा जाता है अंकों की जांच परख करना। अंकेक्षण देखेंगे आप तो अंकेक्षण, ऑडिटिंग को अंकेक्षण कहते हैं, और ये अंकेक्षण वर्ड आपका क्या करता है, लेखों की जांच परख रखना। अब जो लेखे आप ऑलरेडी कर चुके हैं अकाउंटिंग पोर्शन में, उन्हीं को जांचना कि आपने सभी लेखे नियम अनुसार क्रमबद्ध तरीके से सही तरीके से किए हैं या नहीं, इसी को ऑडिटिंग कहा जाता है। ऑडिटिंग में ही आप सीखते हो। ऑडिटिंग क्या सिखाएगी आपको, तो ऑडिटिंग में आपको जो पूरा सिलेबस आपका पढ़ना होता है ऑडिटिंग में, वो चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो लेखे किए गए हैं किसके द्वारा किए गए हैं और वो व्यक्ति ने सही नियमों का पालन किया है कि नहीं। लेखे के नियम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन जहां पर आप लेखों को अलग अलग तरीके से देखते हो, तो ऐसी कंडीशन में भी लेखे सही तरीके से किए गए हैं कि नहीं, उनकी शुद्धता जांचना। अच्छा, क्यों आवश्यकता पड़ती है ये जांच करने की? नॉर्मली अकाउंटिंग करते टाइम हम आप फोकस पूरा रखते हैं, फिर भी ऑडिटिंग की अलग से ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये जांच, ये लेखे के जो आप कह रहे हैं कि जो कमी है उनको सॉल्व आउट करना, ये तो ऑडिटिंग अकाउंटिंग करते टाइम ही क्लियर हो सकते हैं, लेकिन ऑडिटिंग पोर्शन करने के लिए ये रीज़न होता है कि ऑडिटिंग क्यों की जाती है, तो कहा जाता है जो भी कमी अकाउंटिंग में रह गई है ना वो क्लियर आउट करने के लिए। अब कमी क्यों रह गई है, कमी तो वहीं पर क्लियर आउट हो सकती थी, कमी नहीं रह जाती। कहने का ये सिर्फ छोटा सा सेंस होता है कि आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर रखा है वो प्रॉफिट एंड लॉस भी पूरी तरह शुद्ध है या नहीं, इसकी जांच अंकेक्षक के द्वारा की जाती है। अंकेक्षक इट मींस ऑडिटर क्यों करता है? नॉर्मली हम आप जब ऑडिटिंग अकाउंटिंग जानते हैं ना, तो अकाउंटिंग करते करते थोड़े टाइम के बाद हम एक मास्टर हो जाते हैं ना, और ऐसे टाइम में हम क्या करने लगते हैं, हमें पता है कि कहाँ से हमें किन खर्चों को एडजस्ट करना है, किन इनकम्स को कहाँ सेटअप करना है। तो ऐसे में जब हम मास्टर होते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हम उसका मिसयूज़ भी करने लग सकते हैं या कर सकते हैं, या मिसयूज़ नहीं भी किया तो कहीं ना कहीं कोई डिफॉल्ट या फॉल्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या आती है कि अगर किसी ने कोई मिसयूज़ कर रखा है, इन सेंस किसी खर्चों को एक्सेस करके दिखा रखा है, आपने खर्चे किए कोई 2-3 और आप दिखा दो 5-6 खर्चे, तो ऐसे में आप ज़्यादा खर्चे को जब दिखा देते हो तो जिससे आपके प्रॉफिट कम होने लगते हैं, तो ये कंडीशन वहाँ पर एप्लीकेबल होती है। बट इंस्टीट्यूशन में टैक्स को कम करने के लिए, रिलीज करने के लिए, कभी कभी नियम के अनुसार और कभी बिना नियम के आधार पर आप खर्चों को बढ़ाकर दिखाते हैं, और इन्हीं सब तरीके की जाँच को आपके अंकेक्षण या ऑडिटिंग कहते हैं। थर्ड पोर्शन पर आते हैं, फाइनेंस क्या होता है? तो फाइनेंस, अब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस सेटअप एक्चुअली ऑर्डर बहुत अरेंज नहीं है, कुछ चीज़ें अप डाउन है, इसे ऑर्डर में लिखकर और अच्छे से बेहतर समझा जा सकता था। बट फाइनेंस में अगर देखा जाए तो कहा जाता है वित्त, हिंदी तो बहुत आसान सी चीज़ है कि वित्त होता है फाइनेंस। इस वित्त में आता क्या क्या चीज़ है, किन चीज़ों के बारे में हमें वित्त के में पढ़ना होता है? तीन चीज़ों से मिलकर बनता है वित्त हमारा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इनमें रखा जाता है इनकम को, देन एक्सपेंस, और उसके बाद जो होता है आपका इनकम एक्सपेंस, एंड द थर्ड वन इज आपका जो होता है ये होता है डेप्थ। डेप्थ अब हिंदी में देखा जाए तो आय व्यय और ऋण, आय व्यय और ऋण, ये तीनों की बात, इन तीनों को मिक्स कर देते तो हमारा फाइनेंस तैयार होता है। अब इनको बहुत हाई लेवल पर नहीं समझेंगे क्योंकि हम लोग शॉर्ट में समझ रहे हैं, आप एक नॉर्मल समझिए। अगर आप अपने घर में देखेंगे, कोई हेड ऑफ़ द फैमिली होती है ना, हेड ऑफ़ द फैमिली मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके पापा हो सकते हैं, आपके ग्रैंड फादर हो सकते हैं, तो ऐसे में हेड ऑफ़ द फैमिली की कोई ना कोई इनकम होती है, और उसी इनकम को पूरे महीने के लिए, पूरे मंथ के लिए आपको मैनेज करना होता है। शॉर्ट वे में अगर देखें तो वो हेड ऑफ़ द फैमिली की इनकम, उन्होंने कितनी अर्निंग करी और अर्निंग के बाद उन्होंने उन अर्निंग के पार्ट से क्या एक्सपेंस कर लिया, और अगर कहीं कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आती है कि आपकी इनकम आपकी अर्निंग एक्सपेंस से
कम पड़ जाती है, मीन्स आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं और आपको उतनी इनकम नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में एक अराइज होता है डेप्ट, लोन की आवश्यकता पड़ती है, ऋण की। फिलहाल हम लोग छोटी सी फैमिली में देखें तो छोटी सी फैमिली में छोटा सा इनकम, चाहे आप 20,000 रुपये मंथली रख लीजिए, 10,000 रुपये मंथली रख लीजिए, 20,000 से 50,000 रख सकते हैं, उस बेसिस पे आप इनकम एक्सपेंस और डेब्ट को समझ सकते हैं। और अगर ये डेब्ट अराइज नहीं होता तो यहाँ पर क्या अराइज हो सकता है, जब इनकम आपकी ज़्यादा हो एक्सपेंस कम हो तो यहाँ पर आपका सेविंग अराइज होता है, लेकिन फिलहाल सेविंग का पार्ट आपके फाइनेंस में नहीं रखा जाता, रखा जाता है इनकम एक्सपेंस एंड डेब्ट को। अब आप कहोगे ये छोटी सी फाइनेंस की बात जो हमारे घर में हर रोज़ होती है, इनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा? हाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि घर में फैमिली में होने वाली इनकम एक्सपेंस के बारे में हमें नहीं जानना, हमें जानना कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह से अपने इनकम एक्सपेंस और डेब्ट के सारे एडजस्टमेंट्स करती है, हमारे लिए कितने वो इनकम कर रही है, कितने एक्सपेंस कर रही है, उन सारे एडजस्टमेंट के बारे में यहाँ पर जानना है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक है सांख्यिकी, संख्याओं पर आधारित होती है। संख्याओं पर पूर्ण रूप से आधारित होती है सांख्यिकी आपकी। यहाँ पर आप जो देखते हो ये गणना होती है संख्याओं की, इनमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, संख्या क्या है, संख्याओं पर क्या डेटा कलेक्शन किस तरह से, मतलब अगर आप किसी प्रकार का कोई सर्वे कर रहे हैं या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई नॉलेज, आप रिजल्ट कब अज्यूम करते हो, किसी भी चीज़ से रिजल्ट कब अज्यूम करते हो, जब आप किसी चीज़ पर थोड़ा टाइम देते हो, कुछ डेटा कलेक्ट करते हो, उस पर मेहनत करते हो और उसके बाद अटेम्प्ट करते हो उस टॉपिक को, देन आपका रिजल्ट आपके हाथ में होता है। तो रिजल्ट आपको चाहिए, अगर अभी आप देखिए जैसे आपके रिसेंटली बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आपको कब मिलेंगे, जब आप उस पर थोड़ा सा टाइम देंगे, एग्जाम को क्या करेंगे, फेस ऑफ करेंगे, एग्जाम्स करेंगे, देन आपको रिजल्ट आपके मिलेंगे। और एग्जाम फेस ऑफ करने के लिए आपको स्टडी करनी होगी, स्टडी करने के लिए आपको मटेरियल्स चाहिए, तो वो मटेरियल्स डेटाबेस हो सकते हैं, वही डेटाबेस आपकी स्टैटिस्टिक में आपको सीखनी होती है कि किस प्रकार से आंकड़ों का संकलन किया जाता है, आंकड़े एकत्रित किस प्रकार से किए जाते हैं। इकोनॉमिक्स आपका पोर्शन है, इकोनॉमिक्स ब्रॉड इकोनॉमिक्स तो बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन फिलहाल हमारे कॉमर्स में छोटा सा एक पोर्शन लिया गया है बिजनेस इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक का मतलब आप नॉर्मल समझ सकते हो, जहाँ पर बात धन संबंधी की जाए, कुछ लोग धन के, कुछ राइटर्स धन के फेवर में जाते हैं तो कुछ मानव कल्याण के भी फेवर में जाते हैं। हमें फिलहाल ये नहीं सीखना कि कौन किसके फेवर में गया। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं हम, तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए और साथ ही साथ प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए भी। कोई प्रोडक्ट है आपके पास, आपने प्रोडक्ट बना तो लिया लेकिन मार्केट में किस रेट पर उतारूं, प्राइस डिटर्मिनेशन या फिर कस्टमर क्वालिटी, कस्टमर की क्या नीड्स है, उनकी नीड्स के साथ साथ उनका किसी प्रोडक्ट को लेके क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है, उनकी डिमांड क्या है, इन सभी बातों को हम इकोनॉमिक्स में रखते हैं और यही चैप्टर के थ्रू आपके सामने आते भी हैं। आप सबने जितने इकोनॉमिक्स जानते हो, अगर आपने पढ़ा है, तो आपको पता है कि इनमें सारे ब्रॉड चैप्टर्स के तौर पर आपको मिलेंगे जितनी भी बातें मैंने अभी वर्ड यूज़ किए। तो इकोनॉमिक्स में आप सबसे पहले क्या सीखते हैं, कंज्यूमर के बिहेव को, प्राइस डिटर्मिनेशन को सीखते हैं, क्या प्रॉफिट वगैरह मार्जिन होगा, और यही चीज़ हमारी जब गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है, बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, उस उत्पादन से संबंधित सभी खर्चों के बारे में जज किया जाता है, देन वो आपके इकोनॉमिक्स पोर्शन होती है। टैक्सेशन का छोटा सा पार्ट आपके बीएड एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा टैक्स तो नहीं पढ़ना आपको, लेकिन छोटा सा टैक्स का एक पार्ट, ये टैक्स है क्या, क्यों लगाए जाते हैं, एक डाउट मन में आ सकता है। नॉर्मली लोगों के आता है, स्टूडेंट लाइफ में हम लोग होते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि इनकम हमारी, मेहनत हमारी, मेहनत हम करते हैं, कमाते हमें, और उसका छोटा सा पार्ट हम गवर्नमेंट को क्यों पे करते हैं, मतलब हम क्यों पे करें गवर्नमेंट को, ये बात आ सकती है। और गवर्नमेंट को पे करना कंपलसरी ही क्यों होता है, ठीक है बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे, लेकिन फिलहाल नियम तो यही है कि हम अगर एक अच्छे पर्सन है और हमारी इनकम आपकी स्लैब पार्ट से ऊपर है, अबव है, तो आपको एक परसेंटेज रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना चाहिए नॉर्मली। लेकिन ये टैक्स का पे तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि हम क्यों पे करते हैं या हमें क्यों पे करना होता है, तो ये आपको सोल्यूशन टैक्सेशन में नहीं मिलेगा। टैक्सेशन आपको बताता है कि आपकी इनकम पे कितना परसेंटेज गवर्नमेंट का बनता है, ठीक है, आपने क्या इनकम करी उसमें आपको क्या क्या से रिलीफ है। टैक्सेशन की नॉलेज हमें पूरी तरह से हो तो हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या रिलीफ हैं, कौन कौन सी रिलीफ हमें गवर्नमेंट के थ्रू दी गई है जिसके थ्रू हम अपनी इनकम को और थोड़ा सेफ कर सकते हैं, तो इनको हम टैक्सेशन के पोर्शन में रखते हैं। और ये स्लैब हर साल चेंज भी होते हैं, कभी कभी नहीं भी चेंज होते हैं, लेकिन इनमें थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। फिलहाल इसके बाद मैनेजमेंट आते हैं, सबसे आसान और अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे काम को करने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। आप ऐसे ही देख सकते हो मैनेजमेंट क्या है, अगर इसके बारे में बोलना शुरू किया जाए तो शायद 2-3 घंटे की लेक्चर्स भी कम पड़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है,
और क्यों हम करते हैं नॉर्मली जब हम क्लासेस अटेम्प्ट करते हैं फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट पढ़ रहे होते हैं तो उसके कुछ टाइम पहले हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न होती है कि हमने कभी मैनेजमेंट हम सीख लेंगे हमेशा परफेक्ट बन जाएंगे. परफेक्ट तो कभी नहीं बन सकते लेकिन मैनेजमेंट हम अपनी लाइफ में हर रोज़ दिन प्रतिदिन करते रहते हैं. इन्हीं को सीखना है आपको. लेकिन आप क्योंकि कॉमर्स पढ़ रहे हो देन आपको बिजनेस में मैनेजमेंट कैसे करना है ये सीखना है. लाइफ में मैनेजमेंट तो आप लोग हर रोज़ करते होंगे, बिजनेस में मैनेजमेंट का क्या रोल है, क्यों करते हैं, क्या नेसेसिटी है इसकी, इनके बारे में पढ़ना है. जैसे प्रबंध कह सकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए कला, या फिर आप कह सकते हैं भविष्य में किस कार्य को करना है इसका पहले से चिंतन कर लेना, ये सारी चीज़ प्रबंध है. कैसे है, इनके क्या स्टेप्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा नियोजन संगठन, आप इंग्लिश में देखो तो प्लानिंग कह सकते हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, डिसीजन कह सकते हैं. अच्छा एक बात और आती है, हर एक व्यक्ति निर्णय लेता है अपनी लाइफ में के, जहां तक मुझे अनुभव है कि अपने लाइफ के हर एक घंटे में, हर मिनट में, हर सेकंड में शायद आपको ज़रूरत पड़ती हो. आपको हर कहते हैं कुछ क्षण में, ऐसे कह सकते हैं कि कुछ टाइम पर आपको डिसीजन की ज़रूरत पड़ती रहती है. हाँ ये कंडीशन अलग है कि कभी आप अपनी लाइफ से जुड़ी हुई डिसीजन लेते हो, स्टडी से जुड़ी हुई डिसीजन लेते हो, घर में आप बड़े हो तो डिसीजन, तो ऐसी कंडीशन में यही डिसीजन पावर आपने कैसे सीखनी है, इनका रोल बिजनेस में क्या है, क्यों प्लानिंग करते हैं, क्यों डिसीजन मेकिंग कंट्रोल आपके अंदर पावर होनी चाहिए, या लीडरशिप क्यों आपके अंदर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप मैनेजमेंट में सीखते हो. देन मनी एंड बैंकिंग का पोर्शन, ये पोर्शन आपके अगर जिन बच्चों ने इंटर कॉमर्स नहीं पढ़ा होगा तो ये पोर्शन उनको थोड़ा सा दिक्कत करती है क्योंकि ये आपको थर्ड पॉइंट में मिलती है, थर्ड ईयर में थोड़ा सा मिला होगा, बट जिन्होंने इंटर कॉमर्स पढ़ रखा है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि व्हाट इज़ अ मनी एंड बैंकिंग. आपको इसमें सिखाया गया कि मुद्रा क्यों अनिवार्य है हमारी लाइफ में. अच्छा वो भी टाइम था जब हम मुद्रा का यूज़ नहीं करते थे और क्यों हमारी लाइफ में मनी आई, मुद्रा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ. तो आप मनी एंड बैंकिंग में सबसे पहले आपने सीखा होगा, जैसे कहते हैं पहले धरती पर लाइफ कुछ ऐसी थी जैसी हम आप कल्पना नहीं कर सकते, तो उसी तरीके से कॉमर्स व्यापार में बिना मुद्राओं के भी व्यापार होते थे, वो कैसे होते थे और मुद्रा के आने से, मनी के आने से उनमें क्या क्या इफेक्टिव लेवल्स पड़े, क्या परिवर्तन आया, क्या चीज़ें आसान हुई, वो सारी चीज़ें आपको मनी एंड बैंकिंग में पढ़ने को मिलेगी. एक छोटी सी बात में मुद्रा की परिभाषा में कह के मुद्रा मनी एंड बैंकिंग को ख़त्म करेंगे. कहा जाता है कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है. अब आप सोचोगे कि ऐसी भी क्या मुद्रा होती है क्या जो मुद्रा का कार्य ही ना करे. हाँ होती है, ऐसी मुद्राएं भी होती हैं जो मुद्रा होते हुए भी मुद्रा का, आपके पास 500 की नोट अगर एक रख दी जाए और कह दिया जाए, कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन, हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें पैसे मिलते हैं ना, और कह दिया जाता है कि इन पैसों को संभाल कर रखना. अभी संभाल कर रखने की बात आपके सामने जब आ जाती है उसके बाद आपको कितनी भी चीज़ें मिल जाएं, आपकी नीड्स है, आपको सामने से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं, आपको आप लेना चाहते हो, बट आपके ऊपर एक प्रेशर क्या है कि पेरेंट्स के थ्रू आपसे कहा गया है कि इन पैसों को संभाल कर रखना. आपने यूज़ किया नहीं, आप यूज़ कर पा रहे हो उस पैसे का, नहीं कर पा रहे हो. तो ऐसी कंडीशन में ये जो पैसे हैं आपके होते हुए भी आपके पास, आप इनका यूज़ नहीं कर पाते, इसी रीज़न पे ये मुद्रा होते हुए भी मुद्रा नहीं है. फिलहाल ये मुद्रा ही है लेकिन आपके कार्य में नहीं प्रयोग हो पा रही है, इसलिए इन्हें मुद्रा की कैटेगरी में नहीं रखा गया है. ये राइटर्स की अलग अलग टॉपिक और डेफिनेशन के थ्रू है. इसके बाद बिजनेस की बात करें तो इनमें आपने व्यापार के बारे में पढ़ना है कि व्यापार करने से पहले क्या स्टेप्स लेने हैं, व्यापार करने के बाद क्या स्टेप्स लेने हैं, और व्यापार करते समय किन किन बातों और स्टेप्स को ध्यान में रखना है. और लास्ट टॉपिक है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, जिसमें आप अकाउंटिंग का नेक्स्ट लेवल पढ़ते हो. अकाउंटिंग अगर आप सीख लेते हो बेसिक लेवल, अकाउंटिंग में आपको सीखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में आपको सीखना होता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे के रीज़न को फाइंड आउट करना. एक शॉर्ट वे में कहा जा सकता है कि अगर आपने पीएल मतलब प्रॉफिट गेन कर मीन्स आपको प्रॉफिट मिला आपके बिजनेस में, तो वो प्रॉफिट के पीछे क्या क्या रीज़न थे, इन प्रॉफिट को और ज़्यादा अराइज करने के लिए किन किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है. कॉस्ट है तो मतलब आप एक तरीके से किसी वस्तु की लागत को ज्ञात करते हो. प्रबंध में मतलब मैनेजमेंट अकाउंट में उस पर किस प्रकार नियंत्रण किया जाए, किस तरह से उसे कंट्रोल किया जाए, इनके बारे में आप जज करते हो. लेकिन फिलहाल एक छोटा सा सार है कि प्रॉफिट और लॉस को किस तरह से उतना ही बनाए रखा जाए या और ज़्यादा बना के पढ़ा जा सके, इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट के बारे में आप पढ़ते हो. फिलहाल एक छोटी सी हमारे बीच डिस्कशन हुई कि हमें क्या बीएड सिलेबस में पढ़ना है और इन सब चीज़ों में किन किन टॉपिक के बारे में क्या पढ़ना है. आगे के लिए आगे नेक्स्ट वीडियो में.